रामनवमी के बाद से हावड़ा में जबरदस्त तनाव है। यहाँ रामनवमी पर आगजनी के एक दिन बाद शुक्रवार को फिर से हिंसा भड़क गई। जुमे की नमाज के बाद जमकर पत्थरबाजी हुई। हावड़ा को पूरी तरह से पुलिस फोर्स ने अब घेरा हुआ है। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने बंगाल के गवर्नर से बात की है, ताजा हालात का जायजा लिया है। बीजेपी की लॉकेट चैटर्जी ने इस हिंसा के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया और साथ ही एनआईए जांच की मांग भी कर दी है, जबकि ममता बनर्जी ने कहा है कि हिंसा भड़काने वाले हावड़ा के नहीं है, बाहर से आए। पश्चिम बंगाल में सुलगते हावड़ा की ये तस्वीरें बताती हैं यहाँ कितनी नफरत, कितने पत्थरबाज और किस कदर कोहराम मचा। आज हम आपको हावड़ा की हेट स्टोरी के डेंजरस टेप दिखाएंगे। हावड़ा में कैसे दंगा भड़का, कहां कहां से पत्थर बरसे और कैसे सार्वजनिक संपत्ति को फूंक दिया गया। हावड़ा की हिट स्टोरी का एक एक टेप आज आपकी आंखों के सामने होगा। गुरुवार को धतकती नफरत की आग अभी ठंडी नहीं हुई कि शुक्रवार यानी जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाज फिर सड़क पर आए, हिंसा के पत्थर बरसाते नजर आए और आप तस्वीरों में पत्थरबाजों को देख सकते हैं। नफरत के इस टेप को देखिए, कैसे सड़क पर पुलिस खड़ी है और सामने पत्थरबाज दिखते हैं। ये वीडियो भी हावड़ा के शिवपुर का है। लोग आपको एक तरफ से दूसरी तरफ पत्थर बरसाते नजर आएंगे। सिर्फ दो मिनट पहले फिर से जो क्राउड मॉब था वो दौड़ना शुरू कर दी, मीडिया के जो कंटिंजेंट है, जितने भी मीडिया चैनल्स हैं उनके तरफ, और पथराव एक बार हुआ तो यही सिचुएशन बना हुआ है। पुलिस बार बार कोशिश कर रही है उनको समझाने की कि इस तरह से जो अग्रेशन है वो ना दिखाए, क्योंकि लोगों को डिस्पर्स करने की कोशिश लगातार पुलिस की तरफ से हो रही है। और आप देख सकते हैं एक बैरिकेड बनाया गया है, पुलिस हमें कह रही है कि आप आगे ना जाएं, और जो बैरिकेड है वो बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन जो क्राउड था वो आगे बढ़ रही है। ये तीसरा वीडियो है, पुलिस वाले सड़क पर है, हाथों में क्रेट लेकर पत्थर रोक रहे हैं, हेलमेट पहने हैं, दूसरी तरफ दंगाई है जो काबू में आने का नाम नहीं ले रहे। आप टूटे हुए शीशे देख सकते हैं, बाद में आरएफ की टुकड़ियां भी बुलाई जाती हैं। दंगे की इस वीडियो को देखकर आप हैरान रह जाएंगे, कैसे पत्थर बरस रहे हैं। हिंसा की तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग पत्थर बरसाते हुए भाग रहे हैं, बिल्डिंग के शीशे टूटे हैं, दंगाइयों में पुलिस का खौफ नहीं। यहाँ पे पुलिस की तैनाती जो है यहाँ पे और ज्यादा हो चुकी है। यहाँ पे पूरा ये विंडो है किसी तरह का, जिसको टूटा फूटा तरीके में ये गिरा हुआ है। यहाँ पर पुलिस, ये रेसिडेंशियल एरिया है अगर आप देखें इस पूरे इलाके को, और यहाँ पे लोग रहते हैं, ये एक बाजार एरिया है। सुबह भी हम लोग थे यहाँ पे, कल भी थे, और यहीं पर फिर से स्टोन पेल्टिंग फिर से देखिए। एक बार दिखाना चाहूंगा कैसे यहाँ पे पत्थर के पीसेस अभी तक हैं। ये वीडियो सोसाइटी के अंदर से बनाया गया। नफरत के स्टेप में भी दंगाइयों की भीड़ नजर आती है। बताया जा रहा है कि दंगाइयों ने बोतलें फेंकी। आप सोसाइटी के अंदर डरे हुए लोगों की आवाज सुन सकते हैं। यह हावड़ा पुलिस थाने का वीडियो है, जिसमें आप एक धनुष और टूटी हुई बड़ी सी गदा देख सकते हैं। ये वीडियो एक दिन पहले यानी 30 मार्च का है, जब रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हिंसा भड़की। आप देख सकते हैं कैसे पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, आग जल रही है, तरबूज बिखरे पड़े हैं, रेहड़ियों में आग लगी, स्कूटर पड़ा है, ऑटो गिरे पड़े हैं, कारों के शीशे टूटे हैं। नफरत का यह 8वां टेप है, कैसे सड़क पर शोभा यात्रा निकल रही है और छतों से पत्थर बरसाए जा रहे हैं। आपको छतों से पत्थर फेंकने वाले लोग भी नजर आएंगे। हावड़ा के शिवपुर इलाके में कल के तांडव के बाद जो स्थिति है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ एक इमारत में आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से पथराव हुआ है और इमारत के शीशे कांच किस तरह से टूटे हुए हैं। पूरा का पूरा इलाका, इस वक्त सफाई अभियान चल रहा है, और पूरे के पूरे इलाके में ये जो तांडव हुआ था, काफ़ी सारी गाड़ियों को यहाँ तोड़ा गया था। यहाँ पर पुलिस को भी आप देख सकते हैं, लगातार पुलिस इस वक्त टहल लगा रही है, गश्त लगा रही है। आप देख सकते हैं हावड़ा में भड़की हिंसा में
कई पुलिस वाले भी घायल हो गए। इन पुलिस वालों को देखिए कैसे इस पुलिसकर्मी की नाक पर पत्थर लगा है। और यह है हावड़ा की हिंसा का नफरत का टेप नंबर 10, जिसमें आप देख पाएंगे कैसे आग लगी है। शोभा यात्रा निकालने वाले लोगों की भीड़ है और पुलिस वाले भी मौजूद हैं। और अब टीएमसी और बीजेपी अपने अपने वीडियो दिखाते हैं, दंगे भड़काने का आरोप एक दूसरे पर मढ़ते हैं। सबसे पहले टीएमसी का वीडियो देखिए और अभिषेक बनर्जी को सुनिए। क्रिमिनल इज अ क्रिमिनल, क्रिमिनल मतलब तारा हिंदू मुसलमान देखे, আমরা ক্রিমিনালের কোনো রিলিজন দেখি না, কোনো কাজ দেখি না, কোনো ধর্ম দেখি না, কোনো বর্গ বর্ণ দেখি না, কোনো দল দেখি না। যারা ক্রিমিনাল তারা ক্রিমিনাল। এই ভিডিওতে যাদের দেখা গেছে প্রত্যেকে অ্যারেস্ট হবে, আজ নয় কাল হবে, কদ্দূর পালাবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ তো। আর আমি বিজেপি নে যে ভিডিও জারি কিয়ে ও ভি দেখিয়ে। তাই এনআরসির ভয় দেখিয়ে যে ভোট তিনি নিয়েছিলেন সেই ভোট ফিরিয়ে আনার জন্য পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে তৃণমূল কংগ্রেসের ওয়ার্ড সভাপতি কাউন্সিলরের স্বামী শামীম আহমেদের নেতৃত্বে হাওড়ার বিএম বস্তিতে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। এই ঘটনার জন্য দায়ী মমতা ব্যানার্জি এবং তার দল। रामनवमी पर भड़की हिंसा पर टीएमसी और बीजेपी में जोरदार टक्कर शुरू हुई। टीएमसी इसे बीजेपी की साजिश बताती है और बीजेपी हिंसा भड़काने के पीछे टीएमसी को जिम्मेदार ठहराती है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा और हावड़ा से इंद्रजीत कुंडू के साथ सूर्याग्नि रॉय आज तक।